बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बच्चा देख लो जी, इन फीड मांग रहा वा। सुबह सुबह इन भुख लगी पई बड़ी ज़्यादा तेज़, तो ये कहता भी कोई ना कोई शा खाने मैं मिल जाए। तो दोस्तों राती जड़ा बड़ा ही तूफान सीगा, तो जिंदी वजह तो वेख लो तुसी हिसाब किताब हो गया वा। परिंदे वेख लो, परिंदे फिरदे आ विच, ते इत्थे वेख लो कपड़ा लग्या होया सीगा ग्रीन, ते ओह उड गया वा, ते ओ पटीज गया वा, मतलब के पटीज के ते की हाल होए पे इन्दे ने। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा आ सीगा इन्दे ते तरपाल पाई हुई सीगी, ते वेख लो ये उड के ते किवें आई पई, ते की हाल हो गया। छापर भी इन्दा उड्या पिया वा, सारा हिसाब किताब ओट पोट जिहड़ा हो गया वा, ते कपड़ा जिहड़ा वा उड के इत्थे ऐ आया पिया वा लथ के सारा ही। हालांकि बड़ा मतलब के मजबूत करके बनया होया सीगा छत दे नाल, ते ये देखो किवें पटीज के रख्या पिया। सिर्फ तार की वजह तो बच गया वा, तार दे नाल अड़ गया सीगा, नहीं तो नेर दे विच उड जाना सीगा। वह छत ते उत्थे बनीजा होया सी, इदां ऐ जगह ते लग्या होया सीगा, ते ये पटीज के ते वेख लो किथे आया पिया वा। ते इत्थों जिहड़ा वा आ भी मतलब के जिहड़ा इन्हां दी पट्टी लगी हुई सीगी, ये भी मतलब के पटीज की इन्ना मतलब के जबरदस्त सी नेर। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह परिंदे अपने जड़े ना ठीक है गए आए, देख सकते तुसी, क्योंकि एक सैड तो बनया हुआ वा इन्हों का केज, मतलब कलोनी यह जरा मैं मास्टर केज बनाया हुआ वा, तो इस करके ना जड़े ये महफूज रहेंगे, मसला नहीं बनता कोई भी इन्हों एडा बाबी, मतलब कि बारिश वगैरह तो नहीं आती, नेर तो दाहरा भी हवा तो बंदा नहीं रोक सकता किसी पास भी। तो ये है कि नेर जड़ा ना वो बारिश आ वह मतलब कि नुकसान नहीं इन्हों दी, क्योंकि साइड पर हो के बह जाते हैं, तो दरवाज़ा वगैरह लग्या हुआ वा मेन, तो ये तुम देख सकते हैं यह चीज़ मैं बनाई हुई है, क्योंकि कपड़े के ना जो एडा नज़र नहीं आता हों, समझ नहीं लगती सी, तो इस करके जो ना हूँ ओपन ओपन जहा लग रहा वा, तो तुम देख सकते हैं। तो यह जरा वा मास्टर जरा केज आप बनाना वा, तो यह भी इंशाल्लाह बस ना आ बारिशा की वजह से रुक जाना वा, क्योंकि हर दूसरे दिन बाद नेर तो बारिश जी आ जाती है, क्योंकि मैं इस जगह पर करने आ पिलर, तो पिलर जे थले जी ना मतलब कि रहायश है साड़ी, मतलब सेन आ, तो मैं कहना बच्चे बुच्चे फिरते होंगे भी नेर आ के ना वे भी मतलब पड़ता जरा वा डिग जाए कोला जरा वा करना पिलर, तो कोई नुकसान हो जाए। इस करके बस ना मैं शुरू नहीं करा रहा हरे काम, तो नाले बारिशा पै रही वा, तो बारिशों के भी मिट्टी वगैरह जी उत्ते मतलब कि लानी आ, वह भी काम जरा ना औखा हो जाएगा, इस करके बस मैं रुकया हुआ वा। तो बाकी जो वास वूस ना मैं लियाते पे आ देख लो तुसी, क्योंकि मैं ना शुरू करा लग्या सीगा, तो सिर्फ इस करके बस रुक गया वा, वास मेरे आए पे, तो बाकी समान जरा इंशाला जरा ना वह भी बहुत जल्द आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, इंशाला वह भी जरा ना बहुत जल्द शुरू कर देंगे आप, इतने ओपन माहौल जरा ना वी आई पी मास्टर केज भी बन जाएगा, तो अपने परिंदे भी माशाला आ जाएंगे। तो बदल जड़े हले भी बड़े फिरते आ, क्योंकि सारी रात भी बारिश पैंती रही है, तो सुबह भी बारिश पैंती रही, हम तकरीबन 10 तो 15 मिनट होए आ बारिश रुकी नू, तो बदल काफ़ी फिरदे आ। बाकी उम्मीद धावा कि हुण दोबारा जिहड़ी बारिश नहीं आती, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, रात में भी बारिश हुई बड़ी, तो नेर तूफान भी बड़ा सीगा, तकरीबन सारी रात जिहड़ी ना बारिश पैंती रही आ। अल्लाह ताला ख्याल करे, क्योंकि हुण जिहड़ा वा बच्चा वा वह मतलब कि फीड मंग रहा वा, वो कहता भी मैं फीड कराओ जी, वो हम रौला पाई जाता, क्योंकि सुबह सुबह इनका टाइम हों इन फीड कराना, तो यह देखो हम इनका हाल, ये हम इन्हें इवें करी जाना जिन्हें जिन फीड ना कराई, तो हम सब तो पहला फीड करा दीए, तो फिर बाकी जो काम ना दूसर दाना पानी परिंदा फिर उस तो बाद ही मिलेगा, सब तो पहले इनकी फीड होएगी। यह देखो ये हम उंगली खा रहा वा भी मतलब कि मैं फीड दो, इन आप फीड दे दें। ਇਹ ਜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ, ਫਰੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਹੌਲ। ਦੋਸਤੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, तो अल्लाह तला खैर ही करेगा। तो पौड़ी मैं चक लिया वा, इन्हों का हम बर्तन बुर्तन चक लिया आ, तोता वा अपना बच्चा वा, उनके वास्ते फीड जी तैयार कर लगी हाँ, ठीक है, मैं बर्तन एक रखा हुआ इन वास्ते, मैं तैयार करता हूँ।
ਧੋਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿੰਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਦੋਸਤੋ ਫੀਡ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਵੀ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬੇਬੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਡ ਇਹਦੀ ਆਪ ਖੁਦ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਲੈਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਡ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਪ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਪ ਨਾਲ ਖੁਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਅਗਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਉਵੇਂ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖਵਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਜਾਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਖਾਵੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਕਚੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ।